नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर जी के स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 5000 जीके क्वेश्चन सीरीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके क्वेश्चंस, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ओके। और इसका जो PDF का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? राइट आंसर है इसका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है? राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन बी। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो NaHCO3 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ पीतल किस मिश्र धातु, किस किस का मिश्र धातु है? राइट आंसर है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल है, यानी कि कॉपर और जिंक से पीतल बनता है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। व्हाई एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीच ए सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो एक निश्चित ऊंचाई तक क्यों पहुंच जाती है और फिर नीचे की ओर क्यों गिरती है, किसकी वजह से? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ कपूल कैन बी यूटिलाइज्ड इन, जुड़ा की आवेदन का उपयोग किसमें किया जा सकता है इन तीनों में? राइट आंसर है ऑल ऑफ दी एबो, ओके। यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ कपूल है वो ये तीनों एक एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ कपूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा नहीं है? राइट आंसर है स्पीड, यानी कि ऑप्शन बी। स्पीड एक वेक्टर मात्रा नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है, ओके। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पॉलीमर इज यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडोज। बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का दो तीन लेयर से बुलेट प्रूफ विंडोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कुड एक्ट एज ए प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स, जो रॉकेट के लिए एक प्रणोदक के रूप में कार्य कर सकता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट के लिए एक प्रोपेलेंट यानी कि प्रणोदक की तरह कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG इज ए मिक्सचर ऑफ, LPG किस किस का एक मिश्रण है? LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, C4H10 प्लस C3H8, इन दोनों का मिश्रण LPG है, यानी कि C4H10 जो है ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है और C3H8 ये जो है ये प्रोपेन का फॉर्मूला है, ओके। तो ब्यूटेन और प्रोपेन की मिश्रण LPG है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम इज प्रिफर टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स बिकॉज इट, हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, किस वजह से? तो राइट आंसर है डज नॉट फॉर्म, क्योंकि हीलियम डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, क्योंकि एयर के साथ हीलियम कोई भी एक्सप्लोसिव मिक्सचर फॉर्म नहीं करता, इसलिए गुब्बारों में एयर बलून्स में हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है हाइड्रोजन की
हाइड्रोजन की तुलना में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिक्सचर इज होमोजीनियस, कौन सा मिश्रण समरूप है। राइट आंसर है मिथानॉल एंड वाटर। ओके, होमोजीनियस का मतलब वाटर वाटर, सॉरी लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, ऐसा होता है। ओके, तो मिथानॉल और वाटर राइट आंसर है, एक होमोजीनियस है यानी कि समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स डिपेंड्स ऑन, बल द्वारा उत्पादित बलाघूर्ण किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, इन तीनों पर निर्भर करता है टॉर्क। ओके, फोर्स द्वारा जो टॉर्क उत्पादित होता है वो इन तीनों पर निर्भर करता है। द पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स रिलेटिव टू ओरिजिन, फोर्स की डिरेक्शन और फोर्स की मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द गल्गी बॉडी इज, गल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर है सिक्रेशन, सिक्रेशन गल्गी बॉडी का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन कैन नॉट अकर इन, आनुवंशिक उत्परिवर्तन की घटना किसमें नहीं हो सकता है। राइट आंसर है राइबोसोम में, राइबोसोम में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की सबसे बड़ी संख्या किसमें होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स में होता है, और ये फॉन्स एक तरह का टेरिडोफाइट्स है। ओके, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, और इसका जो एग्जांपल है वो ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, जिसका संख्या है 1260। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस कैन फॉर्म, दो बराबर और विपरीत बल क्या बना सकते हैं। राइट आंसर है कपूल, कपूल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन इज द यूनिट ऑफ, केल्विन किसकी इकाई है। राइट आंसर है टेम्परेचर की, यानी कि तापमात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथोराइज टू डिसाइड ओवर ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत है। राइट आंसर है प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक पात्रों का संचरण क्या होता है। राइट आंसर है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद व्हिच मैन अलबेरुनी कम टू इंडिया, अलबेरुनी किस व्यक्ति के साथ भारत आया था। राइट आंसर है महमूद गजनी के साथ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया था। राइट आंसर है 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली कौन थे। राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ओके, और इनको डॉक्टर सलीम अली को बार्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ओके, और ऑर्निथोलॉजी यानी कि जिसमें बर्ड्स के बारे में स्टडी किया जाता है। ओके, उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी हैज मास ऑफ 6 kg ऑन अर्थ, व्हेन मेजर ऑन द मून व्हाट कुड बी इट्स मास, एक पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg है, जब चंद्रमा पर मापते हैं तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों 1 kg। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंशिएंट टाइम स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटी डिस्क्राइब्ड इन, प्राचीन काल के राज्य शिल्प और राजनीति का वर्णन किसमें किया गया है? राइट आंसर है अर्थशास्त्र में किया गया है, ओके, जिसको चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ व्हिच क्रॉप्स, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ किस फसल का उपभोक्ता भी है? राइट आंसर है पल्सेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीएम ऑफ यूनियन टेरिटोरीज वेयर सच ए सेटअप एग्जिस्ट अपॉइंटेड बाय हुम, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां ऐसा सेटअप होता है मौजूद होता है, यानी कि केंद्र शासित के मुख्यमंत्री की सेटअप मौजूद होती है जिस केंद्र शासित में, किसके द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मिनरल इज इसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग हार्ट बीट, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? राइट आंसर है सोडियम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ग्रेट हिंदू लॉ गिवर, महान हिंदू कानून देने वाला कौन था? राइट आंसर है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दुलहस्ती पावर स्टेशन लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है चेनाब नदी पर, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नेम्ड इंडियाज क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी बाय विस्डेन, विस्डेन द्वारा किसे सदी का क्रिकेटर नामित किया गया था? राइट आंसर है कपिल देव को, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए 0.1 mA सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर किसका 0.1 m का घोल है? राइट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1 m का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ बेसिन जो कि 1802 में किया गया था, वॉज साइन विथ द ब्रिटिश बाय हुच पेशवा, बेसिन की संधि जो कि 1802 में किया गया था पर अंग्रेजों के साथ किस पेशवा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर है बाजीराव सेकंड ने ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ हुच विटामिन, गाय का दूध किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? राइट आंसर है विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है क्रिकेट से संबंधित है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है अपलिफ्ट द पुअर, यानी कि पुअर जो गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए अंत्योदय प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुगल एम्परर हैड द लॉन्गेस्ट रीन, किस मुगल सम्राट का सबसे लंबा शासन था? राइट आंसर है मोहम्मद शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ व्हिच, यानी कि ग्रह पृथ्वी ग्रह की संरचना में
मेंटल की नीचे कोर मुख्य रूप से किससे बना है? राइट आंसर है आयरन से बना है। ओके, आयरन और निकेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज इन सोनार? सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? राइट आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम इज द पार्लियामेंट्स एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल्ड? संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? राइट आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906? 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ओके, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम ऑल्सो पास थ्रू व्हिच स्टेट? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश भी किस राज्य से होकर गुजरता है? राइट आंसर है इसका राजस्थान। सिक्किम से जो लैटिट्यूड गुजरता है वही लैटिट्यूड राजस्थान से भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर है सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर है इसका एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं, यानी कि सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन? मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? राइट आंसर है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय होम द महात्मा गांधी वॉज रेफर टू फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट? महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है? राइट आंसर है ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का टोपोग्राफिकल मैप्स प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंडिया? भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के लिए सीधे कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर है डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ व्हिच पार्ट? रक्तचाप किस भाग की दीवार पर डाला गया दबाव है? राइट आंसर है आर्टेरीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हुम वाज प्लेस फॉर अमृतसर गिवेन बाय मुगल एम्परर अकबर? मुगल बादशाह अकबर ने अमृतसर के लिए किसको जगह दी थी? राइट आंसर है गुरु रामदास जी को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए।